थैंक यू मैम। सो बॉडी सिंड्रोम मैं आज पढ़ने वाली हूँ आपके लिए। तो पहली चीज ये बताइए, बॉडी सिंड्रोम से आप क्या समझते हो? सिंड्रोम आपने बहुत देखे होंगे, तो सुने होंगे, सॉरी देखने की बात है, सुने ही होंगे आपने। सो बॉडी सिंड्रोम से आप लोग क्या समझते हैं, क्या हो सकता है बॉडी सिंड्रोम? वो हेरिडिटी, वेट गेन होना, ऐसा हो सकता है मैम? एक तो बॉडी सिंड्रोम का मतलब बॉडी तो बॉडी है, वो तो आप समझ रहे हैं ना। सिंड्रोम होता है द सेट ऑफ सिम्टम्स, सिंड्रोम मतलब सिम्टम्स। तो बॉडी में क्या क्या हो रहा है उससे आप कैसे पता लगाएंगे, वो मैं आपको बता रही हूं। और कहां पे क्या चीज होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? सो सिंड्रोम एक तरह से ऐसा होता है, ऑटोमेटिकली चीजें हो रही हैं, पर कोई क्यों रो रहा है, कोई क्यों क्यों कर रहा है, ये सब हमें नहीं पता होता। तो व्हेन समबडी होल्ड्स एन इमोशन इन रादर देन रिलीजिंग इट, मतलब इमोशन जब कोई होल्ड करके रख लेता है और उसको रिलीज नहीं करता, तो उसके कुछ सिम्टम्स आपको दिखते हैं एंड इट विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन फिजियोलॉजिकली एंड पर्सन विल फील फिजिकल डिस्कम्फर्ट। तो क्या होता है, जैसे अर्थराइटिस होता है, ठीक है? अर्थराइटिस में क्या होता है कि हम होल्ड करके रखते हैं अपने सारे इमोशंस को, कि भाई ये ऐसा परफेक्शन का इमोशन होता है कि नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए, उसको हम छोड़ने को तैयार नहीं होते। तो हमारी मसल्स क्या इतनी परेशान हो जाती है, इतनी स्टिफ हो जाती है, बिकॉज वी आर वेरी स्टिफ ऑन सम इशू, ठीक है? तो वो हमारी मसल्स के स्टिफ हो जाती हैं, हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं, नहीं ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ऐसे ही लोगों को अर्थराइटिस होता है। ओके, सो जब आपका कोई इमोशन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है आपकी बॉडी में, तो आपकी फिजिकल बॉडी पे मैनिफेस्ट करता ही है, ठीक है? सो द बॉडी विल सप्रेस द इमोशन प्रॉब्लम एंड होल्ड इट फाइनली। अभी क्या है वो कॉन्स्टिपेशन होना, क्या है? यू आर होल्डिंग ऑन योर इमोशंस, आप उनको छोड़ने को तैयार नहीं है, किसी के सामने बोलने को तैयार नहीं है, आप अंदर अंदर रख रहे हो, दैट इज कॉन्स्टिपेशन ना, राइट? सो अब आप लिख लीजिए, इसको मैं डिटेल में नहीं दूंगी, ये इतना कोई बड़ा चैप्टर भी नहीं है, तो इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूं। तो एक पहला है नंबर 1, क्राइंग सिंड्रोम, रोने का सिंड्रोम। सो दिस एरिया कवर्स इज फ्रॉम सोलार प्लेक्सस अप टू द इंक्लूडिंग द नेक एंड हेड। सो ऊपर का जो एरिया है ना, यहाँ पे होता है ये क्राइंग सिंड्रोम। कहाँ पे होता है? सोलार प्लेक्सस से लेकर के नेक एंड हेड, यहाँ मैम पे आपका पूरा वीडियो रहता ऑफ है क्या? है। हाँ, आपका वीडियो ऑफ है क्या? ओ, ये ऑफ कैसे हो गया? हाँ, एक्चुअली ऑफ था वो। सो ये जो है आपका सोलर प्लेक्सस से लेके नेक और हेड सब में होता है, ठीक है? दिस विल मैनिफेस्ट सेल्फ टू इंडिकेट द इनएबिलिटी टू मेक द डिसीजन दैट द क्लाइंट इज नॉट हैप्पी विथ। तो जब वहां ये हिस्से में हेड में कोई प्रॉब्लम है, सोलार प्लेक्सस में कोई प्रॉब्लम है, मतलब सामने वाला किसी चीज के बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहा है जिसके लिए वो खुश नहीं है, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहा, वो हेल्पलेसनेस बोलते हैं ना, जो उसमें आ चुका है वो। सो इट इज कॉल्ड द क्राइंग सिंड्रोम बिकॉज वेन समवन इज इन दिस स्टेट, वंस आईज क्रिस्टलाइज, सम साइकोलॉजिकल वेज इन विच इट शोज इटसेल्फ, अस्थमा, आर्थराइटिस एंड सोर थ्रोट, एनीथिंग कंसर्निंग हियरिंग एंड आईज और साइनस। सो आप लिख लीजिए, मैं दोबारा बोलती हूँ, कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं क्राइंग सिंड्रोम में? अस्थमा, आर्थराइटिस एंड सोर थ्रोट। जल्दी जल्दी गले में प्रॉब्लम हो जाती है ना, दैट इज ऑल्सो कम्स इन क्राइंग सिंड्रोम। मैम एक चीज है, आपने बोला कि सोलर प्लेक्सिस मतलब क्राउन चक्र, दिमाग यानी कि चक्रा क्राउन मत चक्र, कहिए, सोलर क्राउन प्लेक्सस से यहाँ चक्र इनका मतलब है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। जब ये बिगड़ता है ना, तो साइनस तभी होता है। एक्चुअली साइनस यानी का कि नेक्स्ट स्टेप माइंड क्या होता है?
एलर्जी, एलर्जिक अस्थमा। जी जी जी, यानी कि इंडाइजेशन हो और अपने माइंड में हम इमोशन दबा के रखा हुआ है, इट मीन्स क्राइम सिंड्रोम। कोई डिसीजन है जो आप नहीं ले पा रहे हो और आपको उस वजह से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। ठीक है, ओके। सो उसके जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, वो हो सकती हैं अस्थमा, अर्थराइटिस, सोर थ्रोट, एनीथिंग कंसर्निंग हियरिंग, कान, आंख और साइनस, मतलब आपका नाक से ऊपर का ये पूरा हिस्सा। सो ये सारी चीजें क्राइम सिंड्रोम में आती हैं। तो जब आपसे कोई बात करे कि भाई मुझे साइनस है, मुझे अर्थराइटिस है, सोर थ्रोट है और आंखों में और कानों में प्रॉब्लम है, तो समझ जाइए इसको क्राइम सिंड्रोम है। मैम, इज दिस क्राइंग सिंड्रोम, सी आर वाई आई एन जी, क्राइंग, क्राइंग, रोना। हाँ, क्राइंग सिंड्रोम। तो उनकी आंखें ना थोड़ी वाटरी सी रहेंगी, गॉट इट? भले ही रोए ना, लेकिन उनकी आंखें थोड़ी वाटरी सी रहेंगी और आंखों में प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, क्राइंग नहीं, सी आर वाई आई एन जी, क्राइंग। राहुल जी, स्पेलिंग सी आर वाई आई एन जी है। क्राइंग, क्राइंग मतलब रोने, रोने वाला, रोने वाला। हाँ, रोने वाला। आप लिख देंगे मैम? हाँ, एक सेकेंड, मेरा ना टाइपिंग में बहुत आलसी हूं मैं, टाइपिंग मेरे से होती नहीं है, इसीलिए इतना टाइम लगा आपको नोट्स देने में। मैम, ज्योति जी ने लिख दिया है। हाँ, क्राइंग सिंड्रोम। ओके, एक होता है, अब ये क्राइंग सिंड्रोम का आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि जिस जो आपके क्लाइंट्स हैं, अगर वो आते हैं और कुछ एक प्रॉब्लम अपनी ऐसी बताते हैं, अस्थमा, अर्थराइटिस, आंख नाक कान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, केवल इस पे मत जाइए कि ये जो बीमारियां लिखी है वही हो सकता है। हो सकता है उसको सर दर्द बहुत रहता हो, राइट? तो उसमें भी आप ये, एक तो उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, प्लस जो सिंड्रोम मैं आपको बता रही हूँ उसमें से क्या चीज उसको ज्यादा हो रही है या कोई भी चीज हो रही है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि इसको क्राइम सिंड्रोम है। ये सिंड्रोम एक दिन में क्रिएट नहीं होते हैं, ये सिंड्रोम क्रिएट होते हैं सालों में, महीनों में भी नहीं, सालों में क्रिएट होते हैं। वो धीरे 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 जो एक्युमुलेशन होता है ना इमोशंस का, वो होते 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 वो सालों हो जाते तब ये दिखाई देते हैं। आप देखिए, लोगों को अर्थराइटिस 35 साल के बाद जनरली ज्यादा होता है ना, 16-17 साल के बच्चे को नहीं होएगा अर्थराइटिस, क्योंकि दे आर वेरी फ्रेश, अभी उनको इमोशंस रखना या कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो मम्मी पापा पे निकाल देते हैं, राइट? कोई है सुनने वाला, कोई है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला। सारे सिंड्रोम तब क्रिएट होते हैं जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की भी होती है और दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप अपने आप को उतना नहीं संभाल पाते, आपका अटेंशन दूसरे लोग ज्यादा होते हैं, तो अपनी कैसे देखेंगे, अपना प्रॉब्लम कैसे देखेंगे? कितने लोग होते हैं अपने इंडिया में जिनको अपनी प्रॉब्लम से उतनी प्रॉब्लम नहीं, उनके बच्चे को प्रॉब्लम है, उनके हस्बैंड को प्रॉब्लम है, उनके सास ससुर को प्रॉब्लम, उससे उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब वो ज्यादा सोच रहे हैं, वो प्रॉब्लम नहीं, मतलब उनको पहले देखना है, उनको पहले करना है। तो जब आप हैप्पी नहीं है और खुद पे ध्यान भी नहीं दे पा रहे, पर आपको पता है कि मुझे भी प्रॉब्लम है लेकिन उसके लिए कुछ डिसीजन ही नहीं हो रहा है, तब जाके सिंड्रोम होते हैं आपको। पर हर बॉडी अलग होती है, तो इसलिए हर बॉडी के लिए, हर माइंड के लिए अलग अलग सिंड्रोम होते हैं, लोग अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं, इसीलिए एक सिंड्रोम के लिए कई बीमारियां हैं। किसी को अस्थमा हो जाएगा, किसी को अर्थराइटिस हो जाएगा, किसी का बार बार थ्रोट में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हर एक बॉडी अपना अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट करती है।